गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ हूं एमएस शाही जी, और आज मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और इस स्थिति में घर में स्टे करना बहुत जरूरी है, लेकिन घर बैठे स्टडी के लिए मैं आप लोगों के लिए एक चैप्टर लाया हूं जिसका नाम है आर्टिकल। स्पेशली आज मैं क्लास 12 के लिए फोकस कर रहा हूं, और वैसे ये चैप्टर हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे मैट्रिक हो, 11th 12th, ग्रेजुएशन, किसी भी पार्ट में जाइए, 11th इसका आर्टिकल का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है जानना हर किसी के लिए। तो चलिए आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं आर्टिकल। सबसे पहले मैं आप बता दूं आपको, आर्टिकल का कई अर्थ होता है। एक इसका मतलब लेख होता है, इसका मतलब अनुच्छेद होता है, धारा, वस्तु, ये अनेक अर्थ होता है आर्टिकल का। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का कोई अर्थ नहीं होता, आर्टिकल का कोई अर्थ नहीं होता। वैसे एक बात और याद रखिएगा, किसी भी भाषा में आर्टिकल नहीं है सिवाय इंग्लिश के। हिंदी में भी कोई आर्टिकल नहीं है, इंग्लिश में, उर्दू में भी कोई आर्टिकल नहीं है, और संस्कृत में भी जाइए वहां भी कोई आर्टिकल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा के लिए है आर्टिकल। आर्टिकल वैसे दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल का इस्तेमाल किसी भी नाउन को डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाने के लिए किया जाता है, इसी वजह इसको दो भाग में रखा है, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। जब किसी नाउन को डेफिनिट बनाना हो तो वह हम लोग डेफिनिट आर्टिकल ईएचई द का इस्तेमाल करते हैं, और जब किसी नाउन को इनडेफिनिट बनाना हो तो वह इनडेफिनिट आर्टिकल ए तथा एन का इस्तेमाल करते हैं। ए को आ वाला बोला जाता है। आर्टिकल को आप पूछिएगा कि सर ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है, तो ये बात याद रखना जरूरी है कि आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव में आता है, और इसका इस्तेमाल नाउन के पहले किया जाता है, नाउन के साथ किया जाता है। लेकिन आपको विशेष स्थिति याद रखना होगा कि आर्टिकल का पोजीशन कहां बनता है। जब कुछ नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ बच्चों नाउन रहे, तो आर्टिकल जस्ट उसके बगल में प्लेस हो जाएगा, और आपका पोजीशन इस तरह से रूल लिखेंगे, नाउन के बगल में आर्टिकल, नाउन के अनुसार ही आर्टिकल आएगा। यहां ध्यान रखना होगा कि जब इस नाउन को आप आर्टिकल देंगे, इनडेफिनिट आर्टिकल देंगे, तो वहां आपको साउंड पर ध्यान रखना होगा। अगर नाउन का स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट है तो वहां अ का इस्तेमाल करेंगे, और वही नाउन का स्टार्टिंग साउंड वोवेल से हो तो फिर वहां एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अ बॉय, अ गर्ल, एन इमेज, इमेज में कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है, इमेज। दूसरा पोजिशन आता है कि जब नाउन के साथ एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल का पोजिशन कहां चले जाएगा और आर्टिकल किसके साउंड पर चलेगा। आर्टिकल खास करके इनडेफिनिट आर्टिकल ये साउंड पे चलता, आपको याद रखना है कि आर्टिकल के बगल में एडजेक्टिव को बैठाना है, और उसके बाद सबसे पहले नाउन, नाउन के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद आर्टिकल। यहां गौर करने वाली बात है कि जब ये आर्टिकल आएगा तो आर्टिकल इसके लिए आया है, लेकिन साउंड ये इसका लेगा, इसके साउंड पर नहीं चलेगा। अब इसका साउंड हटा करके आपको एडजेक्टिव का साउंड पे जाना है, जैसे गुड बॉय, तो यहां बॉय के लिए आर्टिकल जरूर आया है, लेकिन ये गुड के साउंड को लेकर के आया। एन ऑनेस्ट मैन, यहां आर्टिकल का इस्तेमाल ऑनेस्ट के लिए नहीं किया गया, वैसे भी याद रखिएगा अकेले एडजेक्टिव के लिए हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, एडजेक्टिव का इस्तेमाल, आर्टिकल का इस्तेमाल नाउन के लिए किया था, लेकिन उसके साथ एडजेक्टिव आया हुआ है, इसी वजह से आर्टिकल जो साउंड लेगा एडजेक्टिव का साउंड, यहां ऑनेस्ट, इसी वजह से यहां एन का इस्तेमाल। तीसरा पॉइंट है कि नाउन के साथ एडजेक्टिव भी आ जाए, एडवर्ब भी आ जाए, तो आर्टिकल का स्थान सबसे लास्ट में हो जाता है।
जैसे इस छोटे से खंड को देखिए, अ वेरी गुड मैन, यहां आर्टिकल ये सिंगुलर नाउन है मैन, इसको आर्टिकल चाहिए, लेकिन इसके बगल में आया हुआ एडजेक्टिव, उसके बाद आया है एडवर्ब, तो अब आर्टिकल का पोजीशन सबसे लास्ट हो जाएगा। अब ये मेन का भी साउंड नहीं लेगा, गुड का भी साउंड नहीं लेगा, ये वेरी का साउंड लेकर के बैठेगा। वेरी चूंकि कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यहां अ वेरी गुड मैन। इसी तरह से यहां जो आर्टिकल बैठा है पर्सन के लिए आर्टिकल आया है, न के ग्रेट के लिए, न के गुड वेरी के लिए, लेकिन चूंकि बैठा है जिसके बगल में वो उसी का साउंड को लेकर के चलेगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग।